आगे की कथा में एक असुर हुआ, उसका नाम था तारक। तारक नाम का असुर पितामह ब्रह्मा से वर ले लिया, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्म लेगा वही हमारा वध करेगा। शिव जी समाधि में बैठे, देवताओं ने प्रार्थना किया तो शिव बाबा ने तो कुछ किया नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो शिव जी समाधि में, वो कुछ करेंगे नहीं। समाधि से बाहर लाने के लिए मध्य में कामदेव को प्रेरित करके भेजो, उस समाधि को भंग करे। कामदेव पहुंचा है, बहुत उद्यम किया, रंभा आदि अप्सराओं के साथ दसन निर्माण करके कोई प्रभाव पड़ा नहीं। पुष्प के धनुष पर पांच बाण, विषम बाण साधा है भगवान शिव के हृदय पे उतार दिया। विषम बाण लगते ही भगवान शिव के नेत्र खुले, दाएं देखे बाएं देखे कोई दिखा नहीं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयो को और उसी क्षण तीसरा नेत्र बाबा का खुला। तापसी देखा भर बाबा ने, कामदेव जलकर राख हो गया। देवताओं ने रति को भेजा, बाबा पुनः समाधि में गए। रति रोती चिल्लाती बाल बिखेरती बाबा शिव की शरण में आई। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कौन, परिचय बताई। बाबा ने आगे कुछ चर्चा नहीं किया, कह दिया अब ते रति तव नाथ कर हो ये नाम, बिनु बबु व्यापि सब सुनने जमे। बिना शरीर के आज से आपका ये पति अशरीरी होगा, सबको व्यापेगा। रति मैया बोली हमको कम मिलेंगे। बाबा ने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण इस स्वरूप से अवतरित होंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। कब? जब आप संबरासुर के यहां प्रधान रसोईया होंगी। कैसे? अब प्राप्त होंगे। कथाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट इंटरलिंक्ड हैं, ये तो हम लोग का दुर्भाग्य रहा। भूगोल भी कटा पिटा पढ़ा हमने, इतिहास भी खंड खंड पढ़ा हमने,
वेद पुराण की तो चर्चा ही छोड़ दीजिए, सदग्रंथ क्या होते हैं? एक सदग्रंथ केवल पता था गीता जी, क्योंकि कचहरी में उसी पर हाथ रखे कसम खाना है। और भी सदग्रंथ हमारे पास हैं, वो तो धन्यवाद गीता प्रेस जी का कि सारे ग्रंथों को उन्होंने पुनर्मुद्रण किया, साहब को घर घर पहुंचा दिया, मनुस्मृति से लेकर श्री हनुमान चालीसा तक घर घर पहुंचा दिया। 18 पुराण 18 उप पुराण सभी शास्त्र, लघु सिद्धांत, कौमुदी, वैयाकरण के सारे ग्रंथ, सब जो बचाओ चौखंबा प्रेस वाराणसी ने छाप दिया। आज का नौजवान, आज का बच्चा, बिटिया, बिटवा ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक महाराज जी हैं, उनका नाम है गूगल महाराज। गूगल महाराज सब रखे हैं थाती, वेद भगवान डालिए आप, वेद क्या है? खरखर खरखर निकलता है वेद क्या है? बच्चों को सहज हो गया, पुराण कितने हैं, खरखर खरखर निकलता है। मंत्र बोलिए, कोई मंत्र बोल दीजिए, वो खरखर खरखर बताते हैं। तो पुस्तक महाराज की आवश्यकता नहीं, गुरु महाराज जरूरत नहीं, गूगल महाराज ही गुरु महाराज हो गए हैं। इसलिए इसकी उपलब्धता के कारण बच्चों को जानकारी हो गई, सनातन धर्म क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, हमारी वास्तविक पूंजी क्या है। नहीं तो भटक रहे थे, कोई बताने वाला नहीं था। हम जब कढ़ा प्रारंभ किए सरकार, तो गांव में कभी कभी रुद्राभिषेक हुआ करता था। जब हम कथाकार बने तो हमने घर में प्रतिवर्ष में दो बार, एक बार रुद्राभिषेक प्रारंभ किया, तो आचार्य जी लोग वही पाठ नित्य करें। तो हमने पूछा एक दिन कि किस ग्रंथ से पाठ करते हैं, बोले रुद्राष्टाध्यायी है। उन्होंने कहा कहाँ लिखा है, बोले शुक्ल यजुर्वेद में, यजुर्वेद में है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो मैंने कहा बताइए ना, और सभी पंडित जी लोग एक मंत्र बोलते हैं, बस दक्षिण और उत्तर का अंतर है। अभी सरकार कल मार्गदर्शन कर रहे थे कि बेटा पूरब का तो ये भादव है, लेकिन यहाँ का ये सावन है। ये क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र के रचना अनुसार जो महापुरुषों ने नियत कर दिया। परंतु आज का युवा, आज की बेटी, आज की बहुएं, आज के भाई, सब लोग वैदिक मंत्र स्मरण रखते हैं, नहीं हो तो पौराणिक मंत्र, नहीं है तो भगवान का नाम। आप देखते होंगे इतनी भीड़ नहीं होती थी मंदिरों में, तीर्थों पर। आए तो साहब श्री राम जन्मोत्सव में अयोध्या चले आइए तो कमरा मिलना मुश्किल है। जन्माष्टमी में कन्हैया सरकार के चले जाइए वृंदावन, तो वहां रहना मुश्किल है, इतनी भीड़। क्यों? लोगों ने सनातन धर्म को जाने का प्रयास किया कि हमारा धर्म क्या है। नहीं तो दुर्भाग्य इस बात का रहा है कि स्वतंत्र भारत के बाद जितने शिक्षा मंत्री बनाए गए सब यवन थे। यवनों ने, कम्युनिस्टों ने मिलकर केवल सनातन धर्म को खंड विखंड किया। वो तो भोले बाबा की कृपा रही कि आज भी हमारे महापुरुषों ने सुरक्षित रखा, ये बाबा के चरण में बैठे हैं आज भी सुरक्षित।